और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन महाजंग से जुड़ी हर बड़ी खबर की। तो रूस यूक्रेन महाजंग में अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अपने वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराधों को छुपाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो रूस का दावा है कि वो यूक्रेन से आजाद हुए इलाकों को विकास की पटरी पर लाना चाहता है और पुतिन के इसी प्लान की तस्वीर मारियोपोल में दिख रही है। मारियोपोल वो इलाका है जो पहले तो यूक्रेन के हिस्से में था, लेकिन लड़ाई की शुरुआत में ही यहाँ रूस का कब्जा हो गया और अब यहीं से सबसे अलग किस्म की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में रूस का मिशन डेवलपमेंट अब शुरू हो चुका है। मारियोपोल में लगातार नए अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। फुल स्पीड में बुलडोजर वहां पर दौड़ रहे हैं, रूसी बुलडोजर ये है। 14 नए अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। किस स्पीड के साथ काम हो रहा है जरा सोचिए, क्योंकि मारियोपोल में सब कुछ नष्ट हो गया था। पहले यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन युद्ध की शुरुआत में वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया और अब रूस वहां पर अपार्टमेंट्स बना रहा है, हाई राइजिंग बिल्डिंग वहां पर डेवलप कर रहा है। मारियोपोल में रूसी मिलिट्री सेंटर बनकर तैयार भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, मारियोपोल में रूसी मिलिट्री सेंटर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लोगों को हैरान कर रही है। और इसीलिए यूक्रेन ये कह रहा है कि जो युद्ध के नियम होते हैं उनका उल्लंघन रूस ने किया है। लेकिन रूस कह रहा है कि हम तो विकास कर रहे हैं भाई, 6 महीने में मारियोपोल की जो तस्वीरें वो बदल दी है हमने, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, पटरी पर एक बार फिर से मारियोपोल को लाने की कोशिश हो रही है, विकास हम कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप उन तस्वीरों पर नजर डालिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, जब जंग में पूरा मारियोपोल बर्बाद हो गया था, उसके बाद वहां पर 6 महीने के अंदर नई तस्वीर दिखने लगी, क्योंकि नई बिल्डिंग्स वो डटे हुए हैं और इसीलिए लगातार वहां पर विकास किया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से जो पुतिन का मिशन मारियोपोल है उसके जरिए आप तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए मारियोपोल रूसी बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है, रूसी बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर ये दूर है। रूसी सेना की सप्लाई लाइन में ये अहम शहर है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है आपस में। रूसी मिलिट्री नव निर्माण मिशन में जुटी हुई है, तस्वीरें वही बता रही है, इंजीनियर्स जुटे हुए हैं काम करने में। मारियोपोल में गलियों के नाम बदले जा रहे हैं, यहाँ पर रीनेम किया जा रहा है, जो पहले किसी नाम अलग नाम से जानी जाती थी गलियां, अब उनका अलग नाम होगा। सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 8 महीने पहले मारियोपोल पर रूसी कब्जा हुआ था, जंग की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये तस्वीर बदल गई। अब क्योंकि 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि 8 महीने पहले यानी कि इस जंग को शुरू हुए हुए 10 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। और देखिए युद्ध भूमि यूक्रेन से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट वहां से दे रहे हैं और रूस के इस मिशन को कैसे वहां पर देखा जा रहा है, यूक्रेन के लोग इस मिशन को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ये विद्या से जान लेते हैं। विद्या आप बताएं कि 8 महीने में तस्वीर बदल चुकी है मारियोपोल की, क्या वहां के लोगों का कहना है, कैसे देख रहे हैं यूक्रेन की जनता इसे? कि मारियोपोल पर एक तरीके से रूस ने पूरी तरीके से कब्जा ही नहीं किया, बल्कि जैसा कि आप बता रही हैं प्रीति कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है और अपनी अपने तरह की इमारतें भी बनाने रूस ने शुरू कर दी है। प्रशासनिक ऑफिस जहां से वो मॉनिटर करेगा, जहां से वो इस युद्ध को या ऑपरेशन जो रूस कहता है उसको संचालित करेगा, तो ये रूस के लिए एक बड़ा अड्डा हो गया है। लेकिन यूक्रेन इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यूक्रेन इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे रूस चाहता है कि अलग अलग इलाकों में वो पहुंचकर कब्जा जमाए और अपनी इमारतें खड़ी कर दे, अपने अड्डे वहां पर वो बना ले। यूक्रेन की तरफ से पहले भी साफ किया जा चुका है, कहा जा चुका है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि वो एक एक इंच अपनी जमीन की वापस लेकर रहेंगे, और ये तो मारियोपोल की बात है। ज़ेलेंस्की यहां तक कह चुके हैं कि क्रीमिया भी वो वापस लेंगे। लेकिन एक
बड़ी बात और बड़ी खबर जो पुतिन की तरफ से इस बीच कही गई है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पुतिन ने कहा है कि अगर पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को कीव में दिया गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से खुल्लम खुल्ला पुतिन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सहयोग करने की कोशिश कर रहा है, उससे वो बाज आए और ऐसे हथियार या ऐसे डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को ना दिया जाए जिससे रूस को अटैक करने में दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि नेटो के एक्स कमांडर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर से नेटो देश को विचार इस बात को लेकर करनी चाहिए कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं अब उन हथियारों की जो शक्ति है उसको बढ़ाकर दिया जाना चाहिए ताकि रूस पर अटैक किया जा सके, मॉस्को पर अटैक किया जा सके। तो हौसले ज़ेलेंस्की के बुलंद हैं और ज़ेलेंस्की को पता है कि ये युद्ध सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पूरे पश्चिमी देश जो उनके साथ खड़े हैं उनके लिए वो लड़ रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर यूक्रेन, पश्चिमी देश, नेटो या अमेरिका, ब्रिटेन हार जाते हैं तो इसका सीधा सीधा संदेश पूरी दुनिया भर में जाएगा कि रूस से बड़ा शक्तिशाली देश कोई नहीं है। क्योंकि पूरे बिल्कुल विद्या आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, बड़ी खबर ये कि बेलारूस में रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग लगातार जारी है। बेलारूस के सैनिकों के साथ रूस के सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बेलारूस की तस्वीरें जहां पर रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग लगातार जारी है। और देखिए किस तरीके से ये ट्रेनिंग की जा रही, युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सर्दी वहां पर बहुत ज्यादा पड़ रही, कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है और ऐसे में इस बीच ट्रेनिंग भी जमकर चल रही है। एक बार फिर से विद्या का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो इस वक्त युद्ध भूमि में मौजूद हैं, एक एक तस्वीर वो देख रहे हैं। विद्या जरा बताएं, एक तरफ हम मारियोपोल के बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बेलारूस में रूसी सैनिकों की जो ट्रेनिंग चल रही है, क्या रूस बेलारूस के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार कर रहा है? इस प्लान को लेकर पूरा पश्चिमी जो इलाका है वो चिंता में है, पश्चिमी देश चिंतित है, ज़ेलेंस्की इसी बात को लेकर चिंतित है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने दो तीन दिन पहले ही सेना के अपने तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पर रख दिया था और यही नहीं बेलारूस बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, वहां पर अलर्ट घोषित कर दिए गए थे कि बेलारूस से कोई अटैक हो सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसके बाद बेलारूस की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। बेलारूस ने कहा है कि वो अपनी युद्धभूमि से वो अपने टैंक्स भेजे जाते हैं, अब मिसाइल भेजे जाते हैं और फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं। तो ऐसे में सबको पता है कि बेलारूस में एक नए प्लान की तैयारी चल रही है और इसको लेकर सबसे ज्यादा डर कीव में है क्योंकि कीव में सबसे बड़े अटैक की तैयारी हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत जल्द नए साल में, संभवतः जनवरी के महीने में ये अटैक हो सकता है, जो चिंता बढ़ा रहा है यूक्रेन की और अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देशों की। क्योंकि इन देशों को लग रहा है कि एक बार फिर से अगर अटैक हुआ तो फिर इसके बाद ज़ेलेंस्की को खुलकर सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने आर्म फोर्सेस को यहां पर भेजना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ आर्म वेपन्स भेजे जा रहे थे, हथियार भेजे जा रहे थे, फाइटर जेट्स भेजे गए थे, लेकिन अब आगे आने वाला जो वक्त है उसमें अगर ताबड़तोड़ अटैक जमीन। बिल्कुल विद्या आपने सही कहा, लेकिन फिर से इस पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, यूक्रेनी सेना के बंकरों पर रूस का हमला देखने को मिला है। हवाई हमलों में यूक्रेन सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन के MLRS के ध्वस्त होने की भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा नुकसान यहाँ पर यूक्रेन को हुआ है। और ऐसे में विद्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस ने किस तरीके से हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जरा ये भी बताएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिनको रूस लगातार निशाना बना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए डोनेस्क में दो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स एक साथ अटैक करने के लिए निकले थे लेकिन रूस ने जवाबी हमला करते हुए इन दोनों ही हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। और ये डोनेस्क का इलाका है जहां पर हम मौजूद थे, जहां से हमने रिपोर्ट कवर की थी, जहां की तस्वीर हमने दिखाई थी और हमने दिखाया था कि किस तरीके से हम नीचे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे सर के ठीक ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे, बमबारी कर रहे थे, बम्बार्डमेंट करके वो जा रहे थे और वापस आ रहे थे। तो ये वही इलाका है डोनेस्क का जहां पर एक बार फिर से रूस ने बहुत तगड़ा अटैक किया है और इस अटैक में न सिर्फ
रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, बल्कि दो हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। देखिए, आप मारियोपोल की बात कर रहे थे और उसके बाद अब जो ये पूरा इलाका है डोनेस्क का, और डोनेस्क से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो खार्किव खिरसोन का जो इलाका है, इस इलाके पर रूस चाहता है कि जिस तरीके से उसने मारियोपोल पर कब्जा किया है उसी तरीके से वो इन इलाकों पर कब्जा करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे। अभी हम बखमुत की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से पूरा शहर जो है खंडर में तब्दील है। तो यहां अभी रूस की आर्मी है, लेकिन क्योंकि पलटवार करने के लिए यूक्रेन की आर्मी भी वहां पर एक हिस्से में मौजूद है जो लगातार अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश में है, लेकिन रूस इस तैयारी में है कि अब मारियोपोल की ही तरह डोनेस्क और यहां के आसपास के जो इलाके हैं, खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिज़्या, इन इलाकों को वो अपने कब्जे में ही ना सिर्फ ले बल्कि यहां पर अपना वो पूरी तरीके से शिकंजा जमाए, अपनी इमारत खड़ी करे, अपने सैन्य अड्डे बनाए। फिलहाल रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है इस युद्ध में कि रूस को अपने रसद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए हवाई रास्ता ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जमीन के रास्ते वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि अभी कनेक्टिविटी रूस ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाया है, एक सप्लाई चेन जो है उसको साथ नहीं पाया है रूस। ऐसे में रूस चाह रहा है कि अगर इन इलाकों में वो अपने अड्डे बना लेता है, अपने ठिकाने बना लेता है, जो सड़कें टूटी हैं, उड़ी हैं, उनको वो ठीक कर लेता है, जो पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको वो ठीक कर लेता है, तो यहां से सीधी चेन उसकी बन जाएगी और इसके बाद अब धीरे धीरे यूक्रेन में वो कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इससे फायदा ये होगा कि अभी जो हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी आर्मी, यूक्रेन के जो जवान हैं, चाहे वो जमीन में हमला, जमीन पर हमला करके हो या आसमान से हमला करके हो, रशियन आर्मी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा और उसके बाद खुल्लम खुल्ला जमीन की लड़ाई होगी, क्योंकि जमीन पर आए बिना आप किसी भी इलाके को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को फतह नहीं कर सकते हैं। और पुतिन ने बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और उस रणनीति के तहत ही हम देख रहे हैं मारियोपोल हो, ज़ेपोरिज़्या हो, डोनेस्क हो, लुहांस्क हो, खेरसोन हो, खार्किव हो, सुमी हो, इन इलाकों में न सिर्फ रूस की सेना अब जमी हुई है बल्कि इन इलाकों में अपने स्तर पर ही अपना ठिकाना भी मजबूत कर रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम तरह के जो हथियार हैं और सेना को मिलने वाले जो सपोर्ट सिस्टम है वो वहां तक पहुंचाए जा सके। देखिए, हम ज़ेपोरिज़्या में थे और ज़ेपोरिज़्या में वहां की मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई कि 90% इलाके मेल्टोपोल के जो हैं, उन इलाकों में जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से रशियन आर्मी और जख्मियों से भरे हुए हैं। जी विद्या, आपने सही कहा और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से जब ये महाजंग चल रही है, 11 महीने के करीब इस युद्ध को हो चुका है, जब कोई भी न्यूज चैनल वहां पर नहीं है तो टाइम्स ऑफ भारत की टीम, हमारे सहयोगी विद्या यूक्रेन में मौजूद है और वो वहां से एक एक तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट लगातार दे रहे हैं कि हालात किस तरीके से वहां पर बने हुए हैं। आपने देखा कि जब विद्या रिपोर्टिंग भी कर रहे थे किस तरीके से उनके ऊपर से कभी फाइटर जेट्स जा रहे थे, कभी मिसाइल से अटैक हो रहा था और टाइम्स ऑफ भारत की कैमरे पर एक एक तस्वीर कैद होती रही और हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर ये कि रूस ने नई सबमरीन लॉन्च की है। सबमरीन का नाम वेलिकी लुकी है, आधुनिक तकनीक से लैस लुकी सबमरीन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एक नई सबमरीन लॉन्च की गई है, रूस ने ये नई सबमरीन लॉन्च किया और सबमरीन का नाम वेलिकी लुकी है, आधुनिक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी से ये पूरी तरीके से बनी हुई है और कितनी ज्यादा फायदेमंद ये होगी रूस के लिए आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से विद्या का रुख कर लेते हैं। विद्या, जिस सबमरीन का जिक्र हम कर रहे हैं, जरा ये बताएं कि क्या अब पानी के रास्ते यूक्रेन पर प्रहार की तैयारी में रूस है? जी बिल्कुल, रूस को पता है कि ये जंग अभी रुकने वाला नहीं है और आगे आने वाले दिनों में पश्चिमी देश अगर मैदान में उतर जाते हैं, अगर नेटो अपने संविधान में, अपने कानून में कोई बदलाव करता है, अपने आर्टिकल्स को प्रमुख करता है, तो फिर ऐसे हालात बन सकते हैं कि जो लड़ाई अभी हम रूस और यूक्रेन में आसमानी लड़ाई देख रहे हैं, जमीनी लड़ाई देख रहे हैं, वो पानी की लड़ाई भी बन जाए। और इसीलिए जो बाल्टिक का इलाका है वहां और ब्लैक सी का जो इलाका है जो यूक्रेन के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिणी इलाका है, उस इलाके में रूस अपने आप को न सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि तैनाती बढ़ा रहा है। और इन तैनाती बढ़ाने का साफ सीधा संदेश पश्चिमी देशों को भी है और आसपास के जो मुल्क जो इस वक्त सीधे तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों के लिए भी है कि हम न सिर्फ यूक्रेन में हवाई हमला कर सकते हैं, जमीन से अटैक कर सकते हैं, बल्कि समंदर के रास्ते भी हमने आपको घेर रखा है, इसलिए आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए युद्ध। देखिए, पुतिन ने अभी तक इस अटैक को जो यूक्रेन के ऊपर रूस
की तरफ से कहा किया जा रहा था उसको कभी भी उन्होंने वॉर का नाम नहीं दिया था। इससे पहले वो लगातार इसे स्पेशल ऑपरेशन कहते रहे थे और रूस के तमाम बड़े अधिकारी या सेना के जो अधिकारी थे वो यही कह रहे थे कि ये स्पेशल ऑपरेशन है जो मदद पहुंचाई जा रही है लुहांस्क और डोनेस्क के इलाके में जो विद्रोही हैं उनको, यानी कि उस इलाके में रहने वाले लोग चाहते हैं कि रूस उनको मदद पहुंचाए और रूस मदद पहुंचा रहे। लेकिन पुतिन ने अब ये कह दिया कि ये वॉर है और वो चाहते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो। इसके दो मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि पुतिन क्या ये चाहते हैं कि यूक्रेन पर अटैक वो बंद कर देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरा मतलब ये है कि पुतिन ने जिन इलाकों में कब्जा जमा लिया है, रूस के ने जिन इलाकों में यूक्रेन के कब्जा जमा लिया है, काबिज हो गया है, उन इलाकों को वो हासिल कर चुके हैं। जितना उनको हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इलाका और रह गया है उस पर, और वो कब्जा करके इस युद्ध को विराम दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन क्या इसके लिए तैयार हो जाएगा? 10 महीने से जो यूक्रेन लगातार लड़ाई लड़ रहा है अपनी अस्मिता के लिए, अपनी जमीन के लिए, क्या उस लड़ाई में सरेंडर वो कर देगा? और ऐसा करने के लिए क्या पश्चिमी देश, अमेरिका समेत ब्रिटेन, तमाम जो सहयोगी उसके देश हैं, क्या उसको हामी भर देंगे? तो ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं, चाहे बाल्टिक सागर हो, चाहे ब्लैक सी हो, इन पूरे इलाकों में रूस ने अपना दबदबा बढ़ाया है। इन इलाकों में रूस ने अपने सबमरीन तैनात किए हैं, इस इलाके में रूस ने ऐसे मिसाइल तैनात किए हैं जो पानी से लेकर जमीन तक अटैक कर सकता है, और हवाई हमला किस तरीके से पानी के रास्ते किया जाता है उस पर भी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि पुतिन को पता है कि आने वाले दिन जो हैं इस युद्ध में उनके लिए और ज्यादा भयानक तो होने ही वाले हैं, लेकिन उनको और ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा घेराव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन को घेरे बिना पुतिन जानते हैं कि वो यूक्रेन पर फतह नहीं हासिल कर सकते। वो कीव तक अगर उनको पहुंचना है, अगर ताज हासिल करनी है उन्हें, तो उसके लिए उन्हें यूक्रेन को घेरना होगा और पश्चिमी देशों को उस मोड़ पर रखना होगा जहां से पश्चिमी देशों को इस बात का अंदाजा हो कि जरूरत पड़ने पर रूस पानी से हो या जमीन से हो या आसमान से हो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि स्वीडन ने भी अब पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अर्जी लगा दी है और स्वीडन चाहता है कि उसको भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मिल जाए। तो तमाम यूक्रेन के आसपास के जो मुल्क हैं वो अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को पता है कि इस युद्ध में वो अकेले खड़े हैं। भले ही बेलारूस और ईरान जैसे देश उनको हथियार सप्लाई कर सकते हैं, ड्रोन सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी आर्मी और अपने हथियारों के जरिए ही इस युद्ध को लड़ना होगा। प्रीति, बिल्कुल विद्या आपने सही कहा, और पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप अपनी नजरें बनाए रखें। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने डोनेस्क के पेट्रोवस्क जिले में 8 रॉकेट दागे हैं। इनमें से एक रॉकेट ने शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया है। देखिए किस तरीके से रॉकेट भी दागे जा रहे हैं और इस तरह के हालात लगातार यूक्रेन में बने हुए हैं। हमारे सहयोगी विद्या भी वहीं पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। विद्या, डोनेस्क में यूक्रेन वॉर क्राइम की राह पर है क्या? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लग ही रहा है। और जरा ये भी बताएं, क्योंकि लगातार वो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की तरफ से भी डोनेस्क में अटैक किए जा रहे हैं और रूस की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो विद्रोही हैं जो रूस के साथ खड़े हैं, जो डोनेस्क के हैं, जो लगातार 2014 जब से क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में लिया था उसके बाद से ही वो वहां पर एक्टिव हैं। और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी उससे पहले भी उन विद्रोहियों के सपोर्ट के नाम पर ही रूस ने इस स्पेशल ऑपरेशन का नाम देकर इस पूरे वॉर को अंजाम दिया, अटैक को अंजाम दिया तमाम जो। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का ये कहना है कि डोनेस्क हमारा है क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा रहा है हमेशा से, और इसीलिए इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो जो डोनेस्क की सिटीज हैं, वहां के जो शहर हैं, वहां पर यूक्रेन की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ रूस इसे अपने कब्जे में लेने के लिए, इस पूरे इलाके को खाली कराने के लिए, और एक एक जो हिस्सा है इस डोनेस्क का, क्योंकि ये एक ओब्लास्ट है, ये छोटी सी जगह नहीं है, पूरा ओब्लास्ट है, तो यहां पर वो पूरी तरीके से खंडहर में पहले से तब्दील करना चाहता है। उसके बाद ये चाहता है कि रूस से लोगों को लाकर बसाया जाए और जो विद्रोही हैं उनको इस इलाके में मजबूत किया जाए, ताकि चाहकर भी भविष्य में कभी यूक्रेन इस इलाके को हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हमने देखा था कि भले ही ज़ेलेंस्की कहें कि ये उनका इलाका है, लेकिन रिहायशी इलाकों पर, रेजिडेंशियल हाउसेस पर भी ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से अटैक किए गए। दूसरी तरफ रूस इस इलाके में जो आर्मी है यूक्रेन की उसको भगाना चाहता है, इसीलिए चाहे सैन्य ठिकाने हो,
चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे लड़ाकू विमान हों, उनको रूस की तरफ से लगातार अटैक करके मार गिराया जा रहा है। और बड़ा हिस्सा है डोनेस्क का, जहां पर रूस की आर्मी ही सिर्फ आपको नजर आएगी, दूसरा कोई और नजर नहीं आएगा। डोनेस्क छोड़ना लोगों ने 2014 से शुरू कर दिया था, जब वहां के रहने वाले लोगों को ये एहसास। ठीक है विद्या, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, खार्किव में रूस के 1000 मिसाइलें, यूक्रेन ने 1000 मिसाइलें इकट्ठा की इंटरनेशनल कोर्ट में, यूक्रेन इनको पेश करेगा। खार्किव में करीब 1700 लोगों के मरने का दावा किया गया है, और अब इन मिसाइल्स को इकट्ठा करके सबूत के तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट में यूक्रेन पेश करेगा। विद्या, आप ही का रुख करते हुए देखिए, खार्किव में रूसी मिसाइलों को इकट्ठा करना और फिर उसे दुनिया के सामने पेश करना, ये क्या कोशिश कहलाती है, इसको क्या कहा जाए, क्या समझा जाए, और क्यों ज़ेलेंस्की की इस कोशिश पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, भले ही रूस इसे स्पेशल ऑपरेशन कहे या फिर पुतिन ने अब इसे वॉर कह दिया है, लेकिन यूक्रेन हमेशा से ये मानता रहा है कि ये जिनोसाइड है और यूक्रेन के लोगों की हत्या की जा रही है, जबरदस्ती यह अटैक किया गया है। किसी तरह की कोई लड़ाई थी नहीं दोनों देशों के बीच, और सिर्फ न सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए बल्कि लोगों को मार गिराने के लिए रूस ने यह अटैक किया है। तो कुछ ऐसे मिसाइल से इस युद्ध में अटैक रूस की तरफ से किए गए हैं जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित है, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से या कहें अनुबंधों के हिसाब से रूस को उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और यही वजह है कि अब यूक्रेन, देखिए अभी से नहीं, यूक्रेन इस युद्ध की शुरुआत से उन तमाम मिसाइलों के खोखे या फिर जो वेस्टेज होता है उनको वो जमा कर रहा है, उनको वो अपने पास रख रहा है अलग अलग जगहों पर, वो प्रदर्शनी के तौर पर चाहे उसको रखे या अपने किसी हाउस में, किसी मकान इमारत में वो रखे, वो दिखाना ये चाहता है पूरी दुनिया को कि देखिए रूस ने किन किन मिसाइलों को अटैक किया है, कैसे हमारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, कैसे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। ठीक है विद्या, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर ये मिल रही है कि बेलारूस पहुंची है टोर M2 की खेप, बेलारूस टोर M2 की खेप पहुंची है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है टोर M2। तो देखिए किस तरीके से बेलारूस ये खेप पहुंच चुकी है। एक बार फिर से विद्या का रुख कर लेते हैं, विद्या जरा बताएं कि जो टोर M2 की खेप है वो बेलारूस पहुंची है, बेलारूस वाला फ्रंट कब तक खुल सकता है, क्या लग रहा है? ये एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और दरअसल इसकी जरूरत बेलारूस को आने वाले दिनों में इसलिए पड़ सकती है क्योंकि बेलारूस और रूस की सेना साझा युद्धाभ्यास कर रही है, बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल पुतिन कर रहे हैं, वहां पर सैनिकों का जमावड़ा है, फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद हैं, वहां पर मिसाइलें रूस की तरफ से भेज दी गई हैं। तो जब इस युद्ध में सीधे तौर पर बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल होगा तो आने वाले दिनों में इस बात की आशंका बढ़ी हुई है कि बेलारूस पर भी पश्चिमी देश अटैक कर सकते हैं, कि अगर आप रूस की मदद कर रहे हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए रूस सुरक्षित करना चाहता है न सिर्फ बेलारूस को बल्कि बेलारूस में जिन ठिकानों पर रूस की आर्मी है, रूस के हथियार हैं, रूस के फाइटर जेट्स हैं, रूस की मिसाइलें हैं, उन इलाकों को वो सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए टोर जैसे जो हथियार हैं या एंटी डिफेंस सिस्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से बेलारूस के इलाके में। ठीक है विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हर एक तस्वीर दिखाने के लिए और वहां से अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।